भाई मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, लेकिन जहाँ तक पहुँची है ना दाल मखनी, इट इज़ बीन क्वाइट अ जर्नी। और यही दाल मखनी बनानी इतनी आसान है, लेकिन यू गो थ्रू यूट्यूब एंड यू रियलाइज कि यार दाल मखनी बनाना इतने लोग नहीं जानते। वेल, जब मुझे ये लगा तो मैंने कहा चलो लेट अस गिव यू माई वर्जन ऑफ दाल मखनी जो हमने अपने टाइम में सीखी थी। कॉलिंग एंड एक्शन। दाल मखनी की जो कहानी है ना, वो कहानी और वो जो क्रेडिट है वो एक्चुअली जाना चाहिए तीन लोगों को। देवर थ्री फ्रेंड्स, कुंदन लाल जग्गी, ठाकुरदास मग्गू और कुंदन लाल गुजराल। ये तीनों दोस्त जो है लाहौर में काम करते थे, एक खाने की जगह पे रोटी बनाते थे, मसाले कूटते थे, खाना बनाते थे। और उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो ये बिछड़ गए, और बिछड़ने के बाद अचानक ऐसे ही पार्टीशन के बाद रेफ्यूजी कैंप में घूमते घूमते ये तीनों एक जगह मिले। और इन्होंने कहा भाई अगर वापस दिल्ली में आके रेफ्यूजी बन के कुछ शुरू करना है तो वही काम शुरू करें जो हम लाहौर में करते थे। तो इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट में कुछ वो डिशेज़ बनाई जो ये पहले बनाते थे। उस रेस्टोरेंट का नाम था मोती महल, और ऐसी एक डिश जो इन्होंने वहाँ पे बनाई जो आज तक हमारी और आपकी कॉन्वर्सेशन है, वो है दाल मखनी। द ट्रू एंड ओरिजिनल दाल मखनी इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ फ्रेंड्स गेटिंग टुगेदर आफ्टर पार्टीशन। इट्स अ रिजल्ट ऑफ द रेफ्यूजी ड्राइव टू एक्सेल। इट इज़ द स्टोरी ऑफ मोती महल। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, ये उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल। इसको पहले पानी में ऐसे अच्छे से मल मल के धोना है, और ये मल मल के धोना बहुत ज़रूरी है। ऐसे धो के इसको ऐसे पहला पानी निकाल देना है, सी दैट ये ऑल दिस इज डर्ट। कई लोग कहते हैं कि यार दो बार धो लो दाल, तीन बार धो लो, मेहनत करो, जोर लगाओ, अच्छे से रगड़ो, तो दो बार बहुत है। इसके बाद इसको ऐसे पानी में सोक कर देना और कुछ नहीं डालना। और सोक करने के बाद अगली सुबह दाल कुछ ऐसे हालात पे पहुंच जाएगी। सो यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब ये वाली जो दाल है इसको लंबे समय तक पकाना है धीमी आंच पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज आंच पे पका दिया या प्रेशर मार दिया तो दाल मखनी तो बन जाएगी लेकिन छिलके सारे अलग हो जाएंगे, दाल सारी अलग हो जाएगी। एटलीस्ट एन आवर एंड अ हाफ ऑन स्लो फ्लेम, ठीक है ना। ये गई दाल, मैं थोड़ा लहसुन का पानी डालूंगा, ठीक है। ये लहसुन को चॉप करके पानी में डाल दिया, और ये इसके बाद नॉर्मली आई नेवर एड सॉल्ट एट द फर्स्ट गो। दाल को आधा पौना घंटा उबलने के बाद नमक डालते हैं। मेरा बिलीफ ये है कि नमक ज़्यादा डालो ना तो इसके छिलके थोड़े कड़क रह जाते हैं, तो इसके लिए नमक हमेशा। दाल के ऊपर ये जो झाग बन रहा है ना, जो भी मैल ऊपर आ रहा है उसको बार बार रेगुलरली हटाना बहुत ज़रूरी है। दिस हैज़ टू गो टू द डस्टबिन, नहीं तो दाल मखनी की ऑफ दाल मखनी बन जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, और अगर कहेंगे ना तो वापस से ये देख लीजिएगा रणवीर ने बताया था। भाई दाल मखनी रेस्टोरेंट में ही क्यों बनती, घरों में क्यों नहीं बन सकती? वो इसलिए कि इतने लंबे समय तक जो है वो घर पे चूल्हा खाली होना इम्पॉसिबल है। तो जब रेफ्यूजीज़ आए दिल्ली तो सांझे चूल्हे जो थे वहाँ पे रात को दाल चढ़ा दी जाती थी। तंदूर एक्चुअली दिल्ली तब आया और तंदूर के ऊपर दाल पकने लगी। घरों के अंदर जो है वो छोले माँ की दाल या फिर राजमा माँ की दाल बनती थी। दाल मखनी इज़ नॉट
होम कुक्ड फूड. ओके नाइस. दाल जो है ना गलने के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रही है. जैसे दाल गल गई अब इसमें मक्खन, यहां से प्रोग्राम शुरू हो जाता है दाल मखनी को दाल मखनी बनाने का. दूसरे पैन में घी, अदरक लहसुन का पेस्ट, देगी मिर्च रंग के लिए तीखेपन के लिए नहीं. बस गैस से हटा लिया, कलर आया, थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि कलर ना खराब हो जाए. टमाटो प्यूरे. अच्छा यहाँ पर कैंड टोमेटो प्यूरे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका जो कलर है वो बड़ा अच्छा होता है. मेरा कलर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा लेकिन मैं टोमेटो प्यूरे फ्रेश ही यूज़ करूँगा. कैंड टोमेटो प्यूरे इज़ मच रेड, बहुत रेड होती है, इसके लिए इट गिव्स अ नाइस कलर. बट कोई बात नहीं, हम कलर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे लेकिन चीज़ फ्रेश यूज़ करेंगे, ठीक है ना. ये रही मथनी, ठीक है. अभी मथनी के साथ वील जस्ट ट्रेडिशनली ग्राइंडेड लाइक हाउ इट शुड बी ग्राउंड. अच्छा अगर तो बिल्कुल बढ़िया टेस्ट चाहिए ना तो इसको काढ़ना है, जितनी हिम्मत है उतना काढ़ लो. एंड यूज अ वुडन स्पून एंड कीप एट इट. और जितनी हिम्मत है ना उतना मक्खन डाल लो. बट इफ यू हैव वाइट बटर, अगर सफ़ेद वाला बटर है ना, वाइट बटर इज द बेस्ट बटर टू पुट इन दिस. नाइस. चलो जी कसूरी मेथी, देगी, कलर खराब होने से पहले पानी. And done. Let me show you the consistency here. Beautiful. And some garnishes are never meant to be messed with. और दाल मखनी की गार्निश भी वैसी है. हेलो जी, रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी. ऑल इट नीड्स इज 6 इंग्रीडियंट्स, सम टाइम, patience and love, and it also needs you to subscribe and press the bell icon. So go for it now.